सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। गलती कबूल करने में और गुनाह छोड़ने में कभी देर ना करें, क्योंकि सफर जितना लंबा होगा वापसी उतनी मुश्किल हो जाएगी। तकदीर बदल जाती है जब जिंदगी का हो कोई मकसद, वरना उम्र कट जाती है तकदीर को इल्जाम देते देते। आप अपने जीवन में जरूर सफल होंगे अगर आप उन सभी सलाहों को माने जो आप दूसरों को देते हैं। आज का पंचांग 3 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, सम 7:27 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आद्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:21 तक रहेगी। इसके उपरांत पुनर्वशु नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:36 से 2:56 तक रहेगा। आज का भी जीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:55 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृश्चिक राशि पर रहेंगे। तुला राशि 3 दिसंबर 2020 दिन गुरुवार, नकारात्मकता से भरे छली लोगों से दूर रहें या आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल से बहुत करीब हैं। शांति के लिए आज अपना अधिकतर समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में उनका फोटो लगा लें। दिन की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्य संबंधित योजनाएं बना लें, क्योंकि दोपहर बाद परिस्थितियां आपके पक्ष में बहुत ही अनुकूल रहेगी। आपके काम स्वतः ही बनने शुरू हो जाएंगे। संतान से संबंधित भी कोई शुभ सूचना मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बच्चों की एकाग्रता और अभ्यास के प्रति रुचि बढ़ने की वजह से आपको समाधान प्राप्त हो सकता है। किसी एक बात पर ही अपनी खुशियों को निर्भर रखना आपके लिए तकलीफदायक होगा। दूसरों के विचारों को आप नियंत्रित नहीं कर सकती, इसलिए उनके द्वारा लिए गए निर्णय से भी खुद को दुखी ना करें। बॉस या वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी आप पर बनी रहेगी। पार्टनर का जिद्दी स्वभाव तकलीफदायक होगा। शरीर में कैल्शियम की कमी महसूस हो सकती है। ध्यान रखें उन परिस्थितियों के लिए खुद को दोष ना दें जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। उसके बजाय खुद का सोचें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यात्रा के दौरान सावधान रहें। आपके ग्रहों के अनुसार आज के दिन ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती है जब आप एक तरफ आप अपने पैदा हो सकती है जब एक तरफ आप अपने प्रियजनों को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, किंतु आपका अधिक बोलना किसी दूसरे का दिल दुखा सकता है। इसके लिए आप लोगों से मिलें, उनसे बातें करें और सोच समझकर बोलें। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलें, इरादे नहीं। दिन में बात का समय अधिक अच्छा रह सकता। पैरों में खिंचाव या तरंगे उठने से परेशानी हो सकती है। पतले दुबले इंसान को तकलीफ हो सकती है। सावधानियां, कभी कभी आपका आत्म केंद्रित हो जाना तथा सिर्फ अपने बारे में सोचना नजदीकी संबंधियों के साथ कटुता ला सकता है। इस समय आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दें तथा अपने संपर्क क्षेत्रों को मजबूत बनाने में भी समय लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करें, इससे वातावरण सुखद बना रहेगा। व्यर्थ के प्रेम संबंधों में समय व्यतीत करना आपको अपने लक्ष्य से भटका सकता है।
आप जितना समय अपने पार्टनर को देना चाहते हैं, अपने व्यस्त शेड्यूल तथा कई बाहरी कारणों के चलते उतना समय नहीं दे पाएंगे। आपका अधिकतर समय अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरी करने में ही निकल जाएगा। अपनी भावनाएं अपने पार्टनर को बताना ना भूलें और आप पाएंगे कि वह आपकी सोच से भी कहीं अधिक समझदार है। यह दिन मनोरंजन से भी भरपूर है, जहां आप खुलकर जीना चाहते हैं। घरेलू कामों में आपका ध्यान अधिक होगा, लेकिन इस दौरान अपने पार्टनर को भी याद रखें। उसके लिए खाना बनाने या कोई रोमांटिक गाना गाएं। आपका स्वप्न पूरा होगा, बस थोड़ी मेहनत करें। आज के दिन किस्मत ने आपके लिए कुछ अलग ही लिखा है। मतभेदों से बचने के लिए कोई भी बात करने से पहले सोच विचार कर लें। अपने साथी को समझने की कोशिश करें, क्योंकि रिश्ता केवल एक तरफ से नहीं निभाया जाता, बल्कि इसके लिए दोनों की समझदारी और सूझबूझ होना जरूरी है। बात करते हैं करियर की। किसी से विवाद आपको परेशान करेगा, लेकिन सुख दुख जीवन का हिस्सा है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर पूरी तरह से नियंत्रण रखें। अब आपका पूरा ध्यान उत्पादकता के साथ अपने ग्राहकों को बढ़ाने पर भी है। आप नई योजनाएं और रणनीतियों के बारे में सोच सकते हैं और जितनी जल्दी हो सके उन पर काम करने की कोशिश भी करेंगे। आप अपने कौशल और दक्षता को लेकर पूरी तरह से सुनिश्चित हैं। बस प्रशंसा की कमी कभी कभी आपको निराश कर सकती है। आपने हमेशा अपना कार्य बखूबी के साथ किया है और आज आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन और अनुमोदन भी जीतेंगे। आपकी ईमानदारी, रचनात्मकता और काम के प्रति समर्पण देखा जाएगा और आपको इसका पुरस्कार फल या उपहार भी मिलेगा। आज के दिन अपने कार्य से संबंधित परेशानियों को पूरा करने में व्यतीत करेंगे, लेकिन फिर भी आप खुश और ऊर्जावान महसूस करेंगे। व्यवसायिक कार्यों में अभी गति धीमी ही रहेगी। इस समय अपने काम की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। नौकरी पेशा व्यक्ति भी कोई गलत काम होने से उच्च अधिकारी नाराज हो सकते हैं। बात करते हैं सेहत की। मांसपेशियों में खिंचाव की वजह से शरीर में दर्द रह सकता है। इसके लिए व्यायाम और मालिश उचित इलाज है। आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधित ख्याल ही छाए हुए हैं। आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार भी हैं। आज आपके साथ कोई हादसा भी घट सकता है जिसमें चोट लगने के संकेत हैं। इसलिए वाहन चलाते समय या खाना बनाते समय आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रहे कि आप जो भी काम करें ध्यान से करें, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। आज का उपाय। आज आप अपने कुल देवता या देवी जी की पूजा अर्चना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।